आज की स्वच्छ तस्वीर के पीछे कोई और है। जी हाँ, हम आज एक बार फिर बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ शहर के दिपेश्वर तालाब की। यहाँ विराजित भोलेनाथ की प्रतिमा से हजारों शहरवासियों की आस्था का केंद्र, शहर की नगर परिषद का ड्रीम प्रोजेक्ट, एक रमणीय स्थल। यहाँ सुबह सुनहरी तो शाम गुलाबी, इसको स्वच्छ रखने के लाख जतन नगर परिषद करती है। हम फिर इसे गंदा करते हैं, फिर काटल की आवाज की एक खबर बनती है, शहर भर में खबर सुर्खियों में होती है। खबर का असर होता है कि तालाब की सफाई हो जाती है। आज हम इन सबसे हटकर बात करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में हम स्वयं इस तालाब को गंदा कर कहीं पर्यावरण का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। बात प्रतापगढ़ शहर की दो महिलाओं की जागरूकता की है। सबसे पहले इन मातृशक्ति की इच्छा शक्ति को नमन। प्रतापगढ़ की ये दो महिलाएं श्रीमती सीमा बत्रा एवं श्रीमती इंदु कपूर आज सुबह रोजाना दीपेश्वर तालाब की सैर को जाती है। मंगलवार की सुबह दीपेश्वर तालाब की गंदगी को देख इनका दिल पसीज जाता है और ये यहाँ तुरंत सफाई करने का इरादा कर लेती है। इस क्रम में इन्होंने स्वयं और एक और अन्य महिला सुनीता डागर के साथ खुद के स्तर पर इस तालाब की सफाई करवाई। खबर गंदगी और स्वच्छता के बीच की सोच की है। अब हमें जागरूक होना होगा। ये शहर हम सबका है, ये तालाब हम सबका है। आए आज हम एक प्रण लें, यहाँ गंदगी नहीं फैलाएंगे। इस खबर को लेकर प्रतापगढ़ शहर सभापति कमलेश जोशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दीपेश्वर तालाब की स्वच्छता के लिए किया गया कार्य सराहनीय और प्रशंसनीय है। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से इनको धन्यवाद और सभी शहरवासियों से निवेदन है कि इस तालाब को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।